आज एकदम भर भर के आपको नॉलेज मिलने वाला है कि मल्टी बैगर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक्शनेबल स्ट्रेटजीज, रेलेवेंट डिस्कशन रेलेवेंट पर्सन के साथ में जिसने मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई किए हैं और आपको वो सिखाना चाह रहे हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक जी। हमारी टीम जो थी वो इस इवेंट से पहले प्राइम मिनिस्टर सर से मिली थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी? जी। ओह माय गॉड, साइंस क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ केस स्टडीज भी बताइए। मेरा मल्टी बैगर का मंत्रा जो है बहुत सिंपल है। उसका मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जिसको मैं बोलता हूँ, मार्केट अपॉर्चुनिटी प्लस अर्निंग्स ग्रोथ प्लस पीई री रेटिंग इज इक्वल टू मल्टी। हाउ टू बिकम अर्ली इन आइडेंटिफाइंग अ सेक्टर और मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है 20-30%, तो उतना क्वेश्चन है भाई, उतनी प्रॉफिट निकाली है लोगों बनाई है तो क्या मैं एक अजम्पशन कर सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम टेलविंड का इनिशिएशन गवर्नमेंट की तरफ से होता है पोर्टफोलियो एलोकेशन पे, कि भाई हमें कितना रिस्क लेना चाहिए। पैग निकालते हैं तो आप हिस्टोरिकल सेल्स ग्रोथ देखते हैं लास्ट एक दो साल का, कि आप मैनेजमेंट बोल रहा है फ्यूचर में एक साल में इतना ग्रो करेगा, तो फॉरवर्ड पैग, क्योंकि फॉरवर्ड पैग रेशियो मैंने देखा नहीं है लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जनरली लोग हिस्टोरिकल ट्रेडिंग पैग देखते हैं। एज वी स्पीक आज मॉर्निंग में मैं एक ट्वीट करके आया हूँ, 19th मल्टी बैगर जो है वो पिछले 6 महीनों में आइडेंटिफाई हुए हैं।